बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिशिएंट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। हाउ आर यू? होपफुली यू आर फाइन। वेलकम टू साइंस क्लास स्टूडेंट। ये हमारे साइंस की आज लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। टू चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और इसका जस्ट हम एक ही टॉपिक रीड आउट करेंगे। सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपके पास काफ़ी टाइम है, आप साइंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। स्टूडेंट असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने इसके क्वेश्चन आंसर शॉर्ट लॉन्ग सब याद करने हैं, डिफरेंसेस और ग्राफ और स्टूडेंट डायग्राम की आपने प्रैक्टिस करनी है। जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का 10 लेक्चर। यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, हीट लाइट एंड साउंड। इसमें जस्ट हम हीट पर वर्किंग करेंगे। हीट का मैंने ग्राफ बनाया है। हीट उसमें हम रीड आउट करेंगे टेम्परेचर को, और फिर थर्मामीटर, और थर्मामीटर में कौन से स्केल यूज़ किए जाते हैं, सेल्सियस स्केल और फॉरेनहाइट, इसको डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर से पहले स्टूडेंट उससे रिलेट जो टर्म इससे रिलेट करती हैं उस पर थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ें क्या हैं। इसको हम नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपका अलग है, बट ये टेम्परेचर से रिलेट कर रही थी इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको इंट्रो इसका दे देती, ताकि आपको माइंड में हो कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स। ये कायनात का वो सबसे छोटे से छोटा ज़र्रा होता है जिससे मिलकर फिर चीज़ें बनती हैं, ठीक है। चाहे वो पानी हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कोई सॉलिड चीज़ हो, ठीक है, वो एटम से मिलकर बनती हैं। तो वो सबसे छोटा ज़र्रा, जो पहला ज़र्रा होता है जिससे बनना स्टार्ट होती हैं चीज़ें, वो उसको हम एटम कहते हैं, जिसको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और फिर सेकेंड टर्म है मॉलिक्यूल्स। अ मॉलिक्यूल इज़ अ पार्टिकल मेड अप ऑफ टू और मोर एटम। ये स्टूडेंट क्या होता है, जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक दो दो लोग या तीन लोग, तीन से ज़्यादा लोग मिलते हैं तो एक ग्रुप बनाते हैं। इसी तरह जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। हीट, हीट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी एंड इट अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग। स्टूडेंट हीट एक टाइप ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की टाइप है। ये जब पैदा होने शुरू होती है, प्रोड्यूस होने शुरू होती है, जब मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट स्टार्ट होती है। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जितनी फास्ट होगी उतनी ही ज़्यादा हीट होगी, और उनकी मूवमेंट जितनी स्लो होगी उतनी ही कम हीट होगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर हीट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन एरिया। जैसे स्टूडेंट हम अपनी बॉडी के, हमारी बॉडी क्या होती है, जब हमें फीवर होता है तो हीट अप हो रही होती है, ठीक है। उसमें हम इस हीट एनर्जी को चेक करते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो हम कहते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर इतना है, क्योंकि जब उसे हम मेजर कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर है। बेसिकली तो वो हीटअप ही होती है ना, आप में गर्माइश होती है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो उसको मेजर करना क्या कहलाता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट और एरिए की हीट को मेजर करता है कि इतनी हीट उस ऑब्जेक्ट में है या उस एरिए में है। मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं कि किस तरह ये मॉलिक्यूल्स की मोमेंट से टेम्परेचर में चेंज आता है। ये देखें, ये मॉलिक्यूल्स आपको इनकी मूवमेंट कितनी फास्ट नज़र आ रही है, ये 90 टेम्परेचर है इस वक्त। अब जैसे हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इनकी मूवमेंट भी स्लो हो रही है। ये देखें, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इनकी मूवमेंट भी इंक्रीज होती जा रही है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही इनकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, और जितना टेम्परेचर कम होगा इनकी मूवमेंट उतनी ही कम होगी। ओके स्टूडेंट, इसके
हम स्केल और यूनिट रीड आउट करने, टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, किस स्केल में मेजर करते हैं, डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे दूं कि ये होते क्या हैं स्केल, किस तरह आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वाइंस भी नज़र आ रहे हैं और 100 का नोट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये क्वाइंस जो हैं वो 20 हैं, 5 5 के 20 क्वाइंस हैं, मीन्स ये टोटल 100 रुपीज़ बना रहे हैं, ठीक है, 20 क्वाइंस। और यहाँ पे आपको 100 का नोट आ रहा है, नज़र आ रहा है, ये भी 100 का है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है, बट स्टूडेंट आपको इनका यूनिट चेंज नज़र आ रहा है, इनकी क्वांटिटी डिफरेंट नज़र आ रही है, ठीक है। वो 100 का सिर्फ एक ही नोट है, बट है 100, ठीक है। और ये भी 100 है, बट क्या है, 5 5 के 20 क्वाइंस हैं, मीन्स ये यूनिट क्या है, 20 रुपीज़ क्या है, छोटा, 5 क्या है, एक छोटा यूनिट है। 100 का एक नोट ही लेंगे तो वो 100 बन गया, ये एक लार्ज अमाउंट है, ये लार्ज यूनिट है आपके पास, ठीक है। आपको समझ में आ रही, अमाउंट इक्वल है बट इनके यूनिट चेंज हैं, रुपीस चेंज है, जिससे क्वांटिटी में डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट हो रहे हैं। 5 रुपीस है तो हमें 20 क्वाइंस लेने पड़ेंगे, यहाँ पर 100 का एक ही नोट लेंगे, 100। अगर इसी तरह 50 के होते तो 50 के 2 नोट्स लेने पड़ते, और 100 बनाने के लिए हमें 100 का एक ही नोट चाहिए होता और 50 के 2 नोट्स चाहिए होते। जैसे स्टूडेंट हम लेंथ को मेजर करते हैं, किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करते हैं तो हम स्केल यूज़ कर रहे हैं, टाइम को डिफाइन करने के लिए हम क्लॉक यूज़ कर रहे थे, इसी तरह हम टेम्परेचर को फिगर आउट करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ये तीन साइंटिस्ट स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे हैं, इन तीनों साइंटिस्ट ने तीन स्केल्स को डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट में आपको केल्विन नज़र आ रहा है, इसी के नाम से एक स्केल है केल्विन, ठीक है। वो केल्विन को हम आपकी बुक में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, केल्विन के बारे में सिर्फ इतना जान ले कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फ्रीजिंग पॉइंट और बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो गर्म एनवायरनमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाता है। फॉरेनहाइट ने ही थर्मामीटर को भी इन्वेंट किया था स्टूडेंट्स, और फॉरेनहाइट स्केल भी इन्हीं के नाम पर डिस्क्राइब किया गया है। और ये सेल्सियस स्टूडेंट, इन्होंने अपने स्केल का नाम सेल्सियस रखा है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं। इन तीन स्केल्स को डिस्कस किया गया है, ये तीन स्केल अब तक डिस्क्राइब किए गए हैं। आपको यहाँ पे दो स्केल नज़र आ रहे हैं, ये सेल्सियस थर्मामीटर है, ये फॉरेनहाइट थर्मामीटर है। स्टूडेंट सेंटीग्रेड जो है सेल्सियस स्केल है, वो 0 से स्टार्ट होता है, 100 पर वो एंड होता है, मीन्स 0 पर वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाता है और 100 पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। और सेंटीग्रेड में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 37 सेंटीग्रेड, ठीक है। स्टूडेंट ये टेम्परेचर आपको सेम नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनकी मेजरमेंट सेम होती है बट इनके स्केल डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको 100 का बताया था, दोनों ही 100 थे बट वो क्वांटिटी में चेंज थे, ठीक है। इसी तरह ये भी क्वांटिटी में इनके स्केल डिफरेंट होंगे बट मेजरमेंट इनकी एक ही होगी। फॉरेनहाइट स्टूडेंट 32 से स्टार्ट होता है, 212 पर एंड होता है, 32 फॉरेनहाइट पर वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है और 212 पर वाटर बॉयल्स होना स्टार्ट होता है फॉरेनहाइट में। और बॉडी टेम्परेचर अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉरेनहाइट में देखें तो 98.6 होता है। आपको समझ में आ रहा है कि इक्वल मेजर करते हैं, ये नहीं कि फॉरेनहाइट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, सेंटीग्रेड में बहुत कम हो गया, ऐसा नहीं होता। वो एक बड़ा यूनिट है तो उसमें हमें अमाउंट कम नज़र आएगी बट टेम्परेचर उतना ही होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह टेम्परेचर सेम है बट फॉरेनहाइट पे वो 25 फॉरेनहाइट शो कर रहा है और सेंटीग्रेड पे वो --5 शो कर रहा है। जब ज़्यादा सर्दी होती है तो इस तरह के टेम्परेचर शो कर रहते हैं। अगर फॉरेनहाइट में देखें तो 25 है और अगर सेंटीग्रेड में देखें तो वो नेगेटिव में जा रहा है, बट टेम्परेचर दोनों में एक ही है, किसी में ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है, जस्ट स्केल डिफरेंट है, जस्ट नंबरिंग डिफरेंट है। स्टूडेंट थर्मामीटर की वर्किंग को देख लेते हैं कि क्या उसमें कौन सा लिक्विड यूज़ किया जाता है, क्यों उस लिक्विड को यूज़ किया जाता है और किस तरह हम टेम्परेचर को थर्मामीटर में मेजर करते हैं। स्टूडेंट ये आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, इसको मरकरी कहते हैं,
इसको थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। इसे इसलिए यूज़ किया जाता है, जैसे ही इसकी हीट अप होता है तो ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही इसको कोल्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, इसके मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट ये देखें, इस तरह थर्मामीटर को जैसे ही फ्रीजिंग में रखा तो इसके टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो गया, इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी मूवमेंट स्लो हो गई है, वो बॉटम में स्लो डाउन हो गए हैं। और जैसे ही इसको हॉट एनवायरनमेंट में रखा गया तो इसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंक्रीज होना शुरू हो गई है और टेम्परेचर इंक्रीज शो कर रहा है, ये नॉर्मल टेम्परेचर को शो कर रहा है। स्टूडेंट वर्किंग स्टार्ट करते हैं थर्मामीटर की। थर्मामीटर मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। वर्किंग ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर की वर्किंग। इन साइड द ट्यूब ऑफ द थर्मामीटर मरकरी इज प्रेजेंट एज अ लिक्विड। थर्मामीटर में मरकरी प्रेजेंट होती है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। व्हेन द लिक्विड इज कोल्ड, लिक्विड जब कोल्ड फॉर्म में होता है, ठंडा होता है, इट्स मॉलिक्यूल्स स्टे क्लोज टुगेदर, ठीक है। उस वक्त आप थर्मामीटर को देखें, जब वो नॉर्मल फॉर्म में है तो वो लिक्विड रेड जो पॉइंटर आपको नजर आ रहा होता है वो बिल्कुल बॉटम में होता है, ठीक है। उस वक्त उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्टे क्लोज, एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, बॉटम में सेटल डाउन होते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर इंक्रीज, जैसे ही उस थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, उस थर्मामीटर को किसी हॉट बॉडी में इंसर्ट किया जाता है या उसमें कनेक्ट किया जाता है एक हॉट बॉडी से, तो उस क्या होता है स्टूडेंट, द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड बिगेन टू स्प्रेड आउट। तो उस मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टूडेंट फैलना शुरू हो जाते हैं, स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो रेड पॉइंटर आपको नज़र आ रहा होता है वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है अपवर्ड। दिस कॉज द लिक्विड टू मूव अप द थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर। तो जिस तरह ही वो लिक्विड मूव करना स्टार्ट होता है तो वो स्केल में हमें शो कर रहा होता है कि इस बॉडी का इतना टेम्परेचर है, तो उसे फिर हम मेजर कर लेते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको थर्मामीटर की वर्किंग समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, असाइनमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। डू सम रिसर्च एंड फाइंड आउट द मैक्सिमम टेम्परेचर इन योर टाउन। स्टूडेंट आपने अपने एरिया का जो टेम्परेचर है 7 डेज का, आपने उसकी रिसर्च करनी है, फाइंड करना है, आपने नोट करना है हर दिन का कि आज टेम्परेचर कितना है, मंडे से संडे तक, ठीक है। पूरे एक वीक का आपने नोट डाउन करना है। आपने इस तरह ग्राफ बनाना है स्टूडेंट, यहाँ पर आपने नंबरिंग करनी है 20 सेंटीग्रेड, 25 सेंटीग्रेड, 30 सेंटीग्रेड, 35 सेंटीग्रेड और 40 सेंटीग्रेड, 45 सेंटीग्रेड और 50 सेंटीग्रेड तक ले लें, आपने सेंटीग्रेड में ही लेना है स्टूडेंट। और यहाँ नीचे आप डेज नेम शो करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है स्टूडेंट। और लेट्स सपोज अगर मंडे के दिन आप नोट करते हैं, जैसे ये मंडे है, ठीक है, मंडे को आप यहाँ से चेक करेंगे और 25 सेंटीग्रेड अगर उस दिन टेम्परेचर है तो आप 25 यहाँ से 25 देखेंगे और यहाँ से मंडे, और फिर यहाँ इस ब्लॉक को आप क्या कर देंगे, कलर कर देंगे 25 तक, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पर आ जाएंगे, ट्यूसडे को आप जब नोट करेंगे तो लेट्स सपोज ट्यूसडे को 35 सेंटीग्रेड है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ट्यूसडे यहाँ से देखेंगे और यहाँ से आप नंबर मैच करेंगे 35, 35 और ट्यूसडे, आपने इतना कलर कर देना है उसको, ठीक है। और फिर वेडनेसडे, इस तरह आप पूरे 7 डेज का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर आप ये भी नोट करेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर किस दिन था स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ये एक एक्टिविटी है, एक प्रैक्टिकल है जो आपने परफॉर्म करना है, और इसकी ऑब्जर्वेशन आपने नोट डाउन करनी है, और फिर आपने मेरे साथ इसको शेयर करना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। 2 ग्लास लेंगे आप स्टूडेंट और एक थर्मामीटर, ठीक है। एक ग्लास में आप हॉट वाटर लेंगे, गर्म पानी लेंगे, और एक में कोल्ड वाटर, ठंडा पानी लेंगे, और उस थर्मामीटर को पहले आप गर्म पानी में रख कर चेक करेंगे उसका टेम्परेचर कितना है, नोट डाउन कर लेंगे। देन उस थर्मामीटर को आप दूसरे क्लास में रखेंगे कोल्ड वाटर में और उसका टेम्परेचर नोट करेंगे, और वो आपने नोट डाउन करना है, फिर आपने मुझसे शेयर करना है कि आपके थर्मामीटर में कितना डिफरेंस आया है, क्या क्या चेंज आया है, ठीक है, और वो चेंज क्यों आया है ये भी आप मुझे बताएंगे। इट्स योर ऑफ टाइम, अपना बहुत ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक,
स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।